नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें कि मार्केट्स में उछाल है। 2 दिन मार्केट्स डाउन थे आपको पता है, लेकिन आज मार्केट्स में उछाल है। 490 पॉइंट्स का जंप है, और जो जंप है वो तो ठीक है, लेकिन आज जो स्टार परफॉर्मर है, ज़बरदस्त मतलब धमाकेदार जो स्टार परफॉर्मर है वो है रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के स्टॉक्स। जो रियल्टी का इंडेक्स है आज, जिसपे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंपनीज हैं, 10 कंपनीज का जो इंडेक्स है रियल्टी इंडेक्स, वो आज 6.5% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मतलब इंडेक्स तो 1 1.5% बढ़ जाए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये इंडेक्स जो है 6% अप है, जबकि सेंसेक्स जो है वो 0.69% अप है। तो मतलब अंदाज़ा लगाइए कि कम से कम 9 गुना आज ये तेज़ भागा है। मतलब बहुत ज़बरदस्त उछाल है, और इसका कारण ये है कि री रेटिंग हो रही है इन कंपनीज की, क्योंकि जो सेल्स है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के और बाकी चीज़ों के, वो मल्टी ईयर हाइज पे चल रहे हैं। कुछ केसेस में 10 ईयर हाइज पे चल रहा है रियल एस्टेट का सेल्स। तो आपके सामने देखिए, शोभा 16% अप, लोढ़ा 9% अप, गोदरेज प्रॉपर्टी 7% अप, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 7% अप। तो आज की जो टॉप सेक्टर स्टोरी है वो आज रियल्टी है, क्योंकि इसमें बहुत धमाकेदार गेंद हुए हैं और बहुत ज़्यादा जंप इसमें आया है। तो देखिए, हमने आपको बताया आज नया रिपोर्ट आया था शोभा पे कि इनका री रेटिंग हो रहा है स्टॉक का, 16% का जंप है, बड़ा जंप। ये देखिए, माइक्रोटेक डेवलपर लोढ़ा, बड़ी कंपनी, बड़ी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, 9% का जंप आ गया इसमें। उसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी 7% का जंप है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस देखिए, ये भी 7% का जंप है। तो आज बहुत ज़्यादा उछाल रियल्टी इंडेक्स में आया है। उसके अलावा सेंसेक्स आज स्ट्रांग है, तो सेंसेक्स को आज लीड किया है फाइनेंशियल्स ने। बजाज फाइनेंस 4% से ज़्यादा, बड़ा मूव है। देखिए, 4,76,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इनके जो अपडेट्स आ रहे हैं फाइनेंस के, बजाज फाइनेंस के, काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, इसकी वजह से स्टॉक में जंप है, 4% से ज़्यादा बड़ा जंप। NTPC तो लगातार मतलब स्ट्रांग परफॉर्मेंस दे ही रहा है, तो उसमें आज 3% का जंप है। तो सेंसेक्स 2 दिन के बाद आज मार्केट अप लगभग 490 पॉइंट्स का गेन, और आज का स्टार है रियल्टी सेक्टर। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे चाहते हैं इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय फॉर नाउ।